सत्य साई बाबा। सचिन तेंदुलकर मुझे काफी पसंद थे। बाद में मालूम चला कि सचिन भी सत्य साई के ही भक्त थे। सचिन साई की मौत पर आंसू बहाते भी दिखे थे, मगर सच्चाई का आजकल ऐसा है कि सामने आ ही जाती है। एक सरकारी अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, सामने देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बैठे हुए थे और दूरदर्शन इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा था। सत्य साई ने एक अवार्ड दिया, ट्रॉफी पकड़ाने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उनके हाथ में जादू से एक माला आ गई। उन्होंने वो माला उस अवार्ड जीतने वाले के गले में पहना दी। सभी खुश थे, लेकिन जब उस क्लिप को गौर से देखा गया तो मालूम पड़ा कि बाबा ने जब अवार्ड दिया था तो उससे पहले वो ट्रॉफी उन्हें किनारे खड़े हुए एक आदमी ने पकड़ाई थी। मेरा मानना है कि वो उनका चेला ही रहा होगा। उसने ट्रॉफी बाबा को पकड़ाते वक्त वो माला भी चुपके से बाबा को पकड़ा दी थी। ये मार्के की बात फुटेज एडिट करने वाले ने पकड़ी। जब ऐसा लगा कि सत्य साई की पोल पट्टी खुल जाएगी तो इस हिस्से को कभी टेलीकास्ट ही नहीं किया गया। सत्य साई के भेद खुलने लगे थे। ये इंटरनेट की दुनिया है और यहां पर सब कुछ एक्सपोज हो ही जाता है। सत्य साई की एक और गजब की ट्रिक थी हाथ से भभूत निकालने की। वो हाथ को सीधा रखता था, हवा में हिलाता था, हथेली सीधी और नीचे की ओर, उसे गोल गोल घुमाता था और फिर भक्तों की हथेली में भभूत रख देता था। ऐसा लगता था जैसे हवा से निकाल रहा हो। मालूम पड़ा कि हाथ में पहली दो उंगलियों के बीच एक चौक का छोटा सा टुकड़ा मौजूद होता था। ये चौक ज्यादा कठोर नहीं होती थी, ऐसी होती थी कि थोड़ा सा भी अगर आप जोर लगाकर उसे मसलें तो वो पाउडर बन जाएगी। सत्य साई उसी का इस्तेमाल करता था। उसे ही मसलते हुए भक्तों के हाथ में धूल गिराता था, जिसे उसने नाम दिया भभूत। भक्त लौट जाते थे, वो दंभ करते थे कि हजारों की भीड़ में बाबा ने उन्हें चुना। वो ये नहीं जान रहे थे कि बाबा ने उन्हें चुना तो है, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि उल्लू बनाने के लिए। किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही सत्य साई चौक मसलकर भभूत के रूप में उसे देते थे, उनका एक चेला तुरंत ही आकर उसे तौलिया पकड़ा देता था। वो अपना हाथ साफ करते थे और आगे बढ़ जाते थे। सत्य साई एक घटिया जादूगर था और कुछ भी नहीं। घटिया इसलिए क्योंकि वो खुलकर अपने जादूगरी के पेशे को भी नहीं स्वीकारता था, बल्कि एक सिद्ध पुरुष का चोगा पहने फिरता था। इस चोगे को उतारने की अभूतपूर्व कोशिश की जादूगर पीसी सरकार जूनियर ने। महीनों तक सत्य साई से मिलने की अर्जी रिजेक्ट होते जाने पर पीसी सरकार जूनियर ने एक स्वांग रचा। वो बंगाल के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे का रूप धर के गए। तुरंत ही सत्य साई ने उन्हें अंदर बुला लिया। सत्य साई के कमरे के अंदर होती मुलाकात यानी दर्शन मिलने पर सरकार जूनियर ने उनसे गिफ्ट मांगा। सत्य साई ने कहा थोड़ा इंतजार करो। वो दूसरे कमरे में गया और 2 मिनट बाद बाहर आया। जिस दौरान सत्य साई कमरे के अंदर था, सरकार जूनियर ने कमरे में रखी खाने की एक प्लेट को अपने पास छुपा लिया। वापस आने पर बाबा ने अपने हाथ को हवा में घुमाया और न जाने कहां से उनके हाथ में सौंदेश मिठाई आ गई। उन्हें मालूम था कि वो एक बंगाली आदमी है। पीसी सरकार इसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत सत्य साई से कहा, बाबा मुझे सौंदेश नहीं रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला दिला दो। और अपनी छुपी हुई मिठाई की प्लेट से सौंदेश को रसगुल्ले में बदल दिया। सत्य साई की हालत खराब हो गई। उन्हें काटो तो खून नहीं। उन्होंने पीसी सरकार जूनियर को भगा दिया। बाद में सरकार ने कहा वो कोई बाबा ओबा नहीं है, वो जादूगर है। वो भी ठीक ठाक नहीं है, वो इतना बेकार है कि जादूगरों का नाम बर्बाद कर रहा है। बाबा के आश्रम के बाहर एक बोर्ड लगा है, Why fear when I am here? यानी अगर मैं हूं तो डर किस बात का। लेकिन वही बाबा जब उसे कुछ लोग मारने आते हैं तो भाग खड़ा होता है। अगर सत्य साई के पास सच में दिव्य शक्तियां थी तो क्यों नहीं उसने अपने मारने वालों को सद्बुद्धि दी या उनके हथियारों को निरस्त कर दिया। उसने तो वही किया जो आम आदमी करता है, वो भाग खड़ा हुआ। सत्य साई तो खुद को भगवान कहता था। सत्य साई के तमाम मंदिर हैं, तमाम अस्पताल, तमाम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और स्कूल वगैरह मौजूद हैं। इन सभी बातों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। अस्पताल हैं तो उनमें लोगों का इलाज होता है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है तो लोग पानी भी पी रहे हैं, स्कूल है तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन हमें यह बात भी मान लेनी चाहिए कि इनके पीछे लगा पैसा धोखेबाजी का पैसा है। उस पैसे को हजारों लोगों की भावनाओं से खेलकर, उन्हें अंधेरे में रखकर, उन्हें उन्हीं की आंखों के सामने बुद्धू बनाकर चंदे और डोनेशन के नाम पे वसूला गया है। ये सभी बातें अभी तक छलावे की ओर इंडिकेट कर रही थीं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे सामने ही है, लेकिन हम उसकी मौजूदगी को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। इनमें से एक सेक्सुअल हैरेसमेंट बड़ी चीज है। सिडनी से एक बैंकर आए जिनका नाम था डी क्रेकर। वो 5 साल तक सत्य साई के भक्त थे। साल 2000 में द संडे एज में उनके बुरे अनुभव छपे।
उसमें लिखा हुआ था, मैंने भारतीय परंपराओं के हिसाब से उनके पैर छुए, उन्होंने मेरा सर पकड़ लिया और अपनी जांघों के बीच ले गए, उन्होंने कराहने की आवाज निकाली, वही आवाज जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। उनकी पकड़ जैसे ही ढीली हुई, मैंने अपना सर उठाया, बाबा ने अपने कपड़े उठाकर मुझे अपना लिंग दिखा दिया और कहा कि मेरी किस्मत अच्छी है। उन्होंने अपना कूल्हा मेरे मुंह से सटा दिया। मैंने तय किया कि मुझे इनके खिलाफ बोलना है। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब नहीं, उनका दिल चाहता हूँ। बाबा ने कहा कि उनका दिल पहले से ही मेरे पास है। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और एक बार फिर सुनहरा मौका देने की कोशिश की। मैंने उसे ठुकरा दिया। स्वीडन में रहने वाले कोनी लार्सन ने भी टेलीग्राफ अखबार को अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में बताया। कोनी 21 साल तक सत्य साई के भक्त रहे थे। उन्होंने लिखा, बाबा ने मुझे कई बार निजी भेंट के लिए बुलाया। मुझे मालूम नहीं था कि उनके और मेरे बीच में क्या हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो मेरे भगवान हैं और मेरी समस्याएं दूर करेंगे, तो मैंने उन पर भरोसा कर लिया। ये अजीब बात थी, क्योंकि वो कभी मेरे लिंग को छू रहे थे, कभी उस पर तेल मल रहे थे और लगातार मुझे मास्टरबेट करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ही उनके साथ भी करूं। उन्होंने कई बार मेरे साथ ओरल सेक्स किया। हर बार लगता था कि उन्हें काफी मजा आ रहा है। जब उन्होंने मुझे अपने साथ ओरल सेक्स करने को कहा, तो मैंने इनकार कर दिया। ये कहानी थी सत्य साई की, जो खुद को बाबा कहता था और जिसने सालों तक हजारों लाखों लोगों को बुद्धू बनाया। आप देख रहे हैं thelallantop.com।